इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 सीट से उर्मिला जैन का टिकट तय मारा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी होंगे जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया और पूर्व मंत्री प्रबोध जैन भाया की पत्नी है उर्मिला जैन भाया। पहले भी झालावाड़ से चुनाव लड़ चुके हैं और सीसी ने उर्मिला जैन के नाम पर मुहर लगाई और कुछ देर में औपचारिक ऐलान भी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांग्रेस से, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशिभूषण शर्मा हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। शशि, 12 सीट से बताया जा रहा है उर्मिला जैन का टिकट तय मारा जा रहा है। बिल्कुल अंकुर, 12 झालावाड़ जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर ये बात सही है कि वसुंधरा राजे सांसद रही हैं, उनके पुत्र का बड़ा प्रभुत्व है, लेकिन अब की बार पार्टी ने उर्मिला जैन भाया को उतारने का मानस बना लिया है। पीसी में इस पर मोहर लग चुकी है, थोड़ी देर में औपचारिक घोषणा हो जाएगी। खास बात यह है कि पहले भी प्रमोद जैन भाया और उर्मिला जैन का आमने सामने मुकाबला हो चुका है। पिछला चुनाव प्रमोद शर्मा ने लड़ा था दुष्यंत सिंह के सामने, उससे पहले प्रमोद जैन भाया लड़ चुके हैं 2014 में, और 2009 में उर्मिला जैन भाया का मुकाबला हो चुका है। हालांकि टक्कर अच्छी रही थी, 26% के तकरीबन वोट उर्मिला जैन भाया को मिले थे, 29.5% के आसपास वोट दुष्यंत सिंह को मिले थे, लेकिन मुकाबला रोचक देखने को मिला था। अब की बार भी टक्कर देने की कोशिश होगी और कांग्रेस की कोशिश होगी कि जीत दर्ज करें, और यही कारण है कि सोशल इंजीनियरिंग के इक्वेशन सारे जा रहे हैं। अगर प्रहलाद गुंजल को कोटा से प्रत्याशी बनाया जाता है तो एक मजबूत बढ़त लेने की कोशिश हो सकती है उर्मिला जैन भाया और प्रमोद जैन की 12 झालावाड़ में, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण है वो टोंक सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र और झालावाड़ 12, इन तीनों संसदीय क्षेत्रों के समीकरण कुछ मिले जुले हैं, आपस में एक दूसरे पे सीट प्रभावित करती है, कहाँ कौन प्रत्याशी है, किस जाति किस समाज को कितना प्रतिनिधित्व है, उससे कई बार फैसला होता है और वोटर प्रभावित होते हैं। अगर यहाँ इंडिविजुअल चेहरे काउंट हुए तो बड़ा रोचक मुकाबला होगा और चौंकाने वाले परिणाम भी आए। बिल्कुल, तो देखिए रोचक मुकाबला होगा, चौंकाने वाले परिणाम भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं, तो कुछ ही देर में औपचारिक तौर पर ऐलान होगा, इंतजार फिलहाल उस ऐलान का। शशि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।